गाइस तो स्वागत है आपका फिर से एक और नए व्लॉग में। ये थोड़ा डिफरेंट व्लॉग होने वाला है। दिस इज डिफरेंट इन द व्लॉग है ये आरकेएल रियल कबड्डी लीग जो जिस स्टूडियो सीतापुरा जयपुर में अभी ऑर्गेनाइज पे रियल कबड्डी लीग का जो एंट्रेंस है वो ये है। आप देख सकते हो एंट्रेंस है, यहाँ पे प्लेयर्स के कुछ फोटोज लगे हुए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम ऑर्गेनाइजर्स ने कैसे इसको ऑर्गेनाइज किया है, क्या ये पीकेएल से बेहतर है या पीकेएल का जैसा ही है। तो कैसा व्यू है स्टेडियम का और क्या फैसिलिटीज़ है स्टेडियम में, आरकेएल कैसा है, कैसा हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी आपको मैं एक टूट लेता हूँ जिसमें बताता हूँ कि आरकेएल का जो एंट्री गेट है वो कैसा बना हुआ है। तो देखो आप आगे ब्लॉग में। चलता है क्योंकि इतने फैंस भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इतना आरकेएल का इतना एडवर्टाइजमेंट किया नहीं गया। प्रो कबड्डी जैसा माहौल तो नहीं है, बट माहौल ऐसा बना रखा है कि बिल्कुल कोई नया प्लेयर आके यहाँ पे देखता है तो उसमें अच्छा बिल्कुल अच्छा मैं सामने ही बैठा तो दिखाते हैं। और यहाँ पे यहाँ राजस्थान के कुछ प्रसिद्ध कलाकार भी बुलाए जा रहे हैं। कल ये 30 सितंबर को इसका समापन है, कल फाइनल खेला जाएगा। फाइनल में कुछ गेस्ट भी आ रहे हैं, राजस्थान के कुछ कलाकार आ रहे हैं, बॉलीवुड स्टार भी आ रहे हैं। और यहाँ पे श्याम रंगीला जो राजस्थान के कलाकार हैं चल रहा है। दोनों टीमें बराबर ही खेल रही है। मैच का शुरुआत डू और डाई के साथ हुआ। तो जयपुर जगवार के खिलाड़ी अमन आउट हो गए और उधर से अरावली की टीम ने पॉइंट स्कोर किया। और अभी जयपुर की टीम अभी भी तीन खिलाड़ी बचे हैं, जयपुर की टीम में केवल तीन प्लेयर्स बचे हैं। तो देखते हैं कैसा मैच चलता है। अच्छा चल रहा है सब कुछ। आइए आप भी 30 अगर आप जयपुर से हो तो 30 सितंबर कल इसका फाइनल मैच है, यहाँ पे बहुत सारे स्टार भी आने वाले हैं तो आप देख सकते हो। अच्छा माहौल है। डू और डाई रेड है यहाँ पे, और बोनस पॉइंट ले लिया डू और डाई रेड ने। तो वाइड एंगल कैमरा से मैं आपको पूरा व्यू दिखा रहा हूँ। जयपुर अभी जयपुर एक बार अभी भी पिछड़ी हुई है,
अभी 8 मिनट से पीछे टाइम आउट चल रहा है अभी, और प्लेयर और कोचेज स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। छोड़ा में गोभी ले लो, ये बोल रहे हैं आलू ले लो गोभी ले लो, इस लड़के को गोभी नहीं ले लो, इस रेडर को। बट वो रेडर ने बेचारे ने रेड ही नहीं की, मतलब ट्राई नहीं किया। बोलते हैं गेम में कभी भी पासा पड़ सकता है, और ऐसा ही हो रहा है। देखिए केवल 2 प्लेयर बचे हैं, इधर अमर वो रेखावा टीके और इधर जयपुर जगवार, अभी पूरी टीम है। तो गेम चेंज होते हुए टाइम भी नहीं लगता, 4 पॉइंट का अंतर बचा है केवल। और आई थिंक मुझे लगता है ये अभी कवर होने वाला है, केवल 1 पॉइंट की लीड रहेगी, क्योंकि अभी रेडर रेड पे है और ये लगता है आउट हो जाएंगे, ये नहीं पकड़ पाएंगे उसको। और ये आराम से आउट कर लिया उसको। हाफ टाइम हो चुका है, यहाँ पर टीमें अपने अपने कोर्ट में आ चुकी हैं। जयपुर की टीम उधर रणनीति बना रही है। हमारे साथ में कबड्डी के नन्हे फैंस, तो बता कौन सी टीम जीतेगी बेटा? जयपुर जैगवार्स। और आपका कबड्डी का फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है? अमन। अमन, क्योंकि वो कैप्टन है जयपुर जैगवार्स का। और आपके फ्रेंड्स? अर्जुन है, साहिल है और वो प्रिंस बैठा है। अभी ये भी जयपुर जैगवार्स को वोट कर रहे हैं अगर जयपुर जीतती है तो। और आप कहाँ से आए हो मैच देखने? हम ये जो अपन जहाँ पे बैठे हैं उसके पीछे जो घर है वो हमारा है। इनका मतलब, इनका कहने का मतलब ये सीतापुरा जो जी स्टूडियो है उन्हीं के पीछे इनका घर है और यहीं से मैच देखना है, क्योंकि हमारा घर ही जी स्टूडियो के पास और किसी का नहीं। और प्रो कबड्डी देखो आप? यस, आई लाइक प्रो कबड्डी एंड आई एम वॉच आल्सो इन टीवी खो खो। खो खो भी देखते हो जो अभी लिखता है? प्रो कबड्डी में कौन सी टीम पसंद है आपको? प्रो कबड्डी में जयपुर जैगवार से आपको बताया था। और जयपुर आपको पसंद है? अमन तो आरकेएल में है, प्रो कबड्डी में कोई प्रदीप नरवाल, अर्जुन देसवाल, अर्जुन देसवाल, उनको अर्जुन देसवाल पसंद है। जयपुर से पिछड़ चुका है, नजर लग चुकी है, और जयपुर अभी 7 पॉइंट पीछे, स्कोर है 35-42। जयपुर जीतेगा नहीं? जयपुर जीतेगा, जयपुर जगवार हार चुकी है और सेकावाटी किंग्स विनर हो चुके हैं। रुक जा, कोई नहीं, अच्छा मैच हुआ अगर अमन, और जयपुर का डिफेंस कमजोर था इसलिए जयपुर हार गया। और ये सेकावाटी के सपोर्टर्स चीयर कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा मैच था। बस तो आज के ब्लॉग में इतना ही था। तो ये था रियल कबड्डी लीग, अच्छा माहौल है यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे रियल कबड्डी लीग देख के।